लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, आज हम आपसे प्राणायाम के और पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे कि पहले हमने भस्त्रिका किया और उसके बाद आज हम अनुलोम विलोम करेंगे और उसके साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे कि बैठा कैसे जाता है। योग में बैठने के लिए बहुत सारे आसन हैं, कैसे बैठा जाता है। तो शुरू में हम आपसे बात करते हैं कि कैसे बैठेंगे। अभी हम जिस आसन पे बैठे हैं इसे सिद्धासन कहते हैं। ज्ञान ध्यान की मुद्राएं तो आप जानते ही हैं, सिद्धासन और ज्ञान ध्यान की मुद्रा। जैसे ही आप ये आसन लगाते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और इससे आपके पूरी बॉडी एक संतुलन पैदा करती है, जिससे आपका योग के रास्ते पर, योग के मार्ग पर अग्रसर होना स्वाभाविक हो जाता है। अब हम आपको दूसरा आसन बता रहे हैं बैठने का, जिसे सुखासन कहते हैं। बहुत अंतर नहीं होता, पैरों का एक दूसरे के ऊपर से हटाकर आगे पीछे रख देते हैं और बाकी मुद्राएं वैसे ही रहती है। देखिए, आजकल की जो दिनचर्या है वो स्प्रिंगदार गद्दे, सोफे और विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं के जो विभिन्न प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं हमारे जीवन पर असर डाल ही चुकी हैं। इससे हमारा बैठना, उठना, सोना ये सब विकृत हो गया है। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए योग में बहुत विधाएं हैं और इन विधाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। ये था सुखासन और ये है सिद्धासन। सिद्धासन लगाकर हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का तकनीकी पक्ष बिल्कुल भी मजबूत नहीं है क्योंकि ये बड़ा सरल सा है और इसके लाभ बहुत अच्छे अच्छे हैं। कहते हैं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ी शोधन बड़ा आसानी से और स्वाभाविक तरीके से इसमें हो जाता है। हम आपको अनुलोम विलोम कैसे करते हैं वो करके एक बार दिखाते हैं। शुरू में इसका अभ्यास आपकी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकते उतना कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। दो उंगलियां खुली रहेंगी, दो एक साथ और अंगूठा एक साथ। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। उन नाड़ियों का शोधन बड़ी आसानी से अनुलोम विलोम करके किया जा सकता है। आप थोड़ी देर अनुलोम विलोम करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि आपका शरीर कितना हल्का महसूस कर रहा है। हार्ट और लंग्स को मैक्सिमम एक्सरसाइज मिल रही है सांसों के माध्यम से और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का मैक्सिमम संचार हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।